हेलो दोस्तों, नमस्ते दोस्तों। आज हम भूगोल के सीरीज में चंद्रमा पढ़ेंगे। दोस्तों, वो विद्यार्थी जो नए हमारे चैनल पर जुड़ रहे हैं, वो वीडियो देख रहे हैं, उनको सोचने के लिए मैं बता दूं, डियर स्टूडेंट, हम लोगों ने एक भूगोल का सीरीज बना के रखा है। पूरे भूगोल को एक सीरीज में पढ़ेंगे, जिसमें हमने विश्व के भूगोल से शुरू किया है। ढेर सारे वीडियो हमने बना चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइए और हमारे पुराने वीडियो को देखिए, तो आगे और समझ में आएगा। इसी कड़ी में दोस्तों, आज हम चंद्रमा को समझेंगे। चंद्रमा एक्चुअल में चंद्रमा का थ्योरी है क्या, ये समझते हैं दोस्तों। ये हमने कुछ एक आध दो डाटा हमने पहले से लिख के रखा है, ताकि अनावश्यक समय की बर्बादी से हम बच सकें। दोस्तों, चंद्रमा हमारे पृथ्वी के चक्कर लगाती है। जिस प्रकार से हमारे सौरमंडल में सूर्य केंद्र में सारे ग्रह उसके चक्कर लगाते हैं, क्यों? क्योंकि उनका जो भी ग्रह हैं, उनका अस्तित्व सूर्य से है। अगर कहीं सूर्य न रहे तो शायद बाकी ग्रह भी न रहे, क्योंकि उनका अस्तित्व ही सूर्य से जुड़ा हुआ है। इसलिए वो सूर्य के निर्देशों के आधार पर उसका चक्कर लगाते हैं। सेम उसी प्रकार से जिस भी ग्रह का जो उपग्रह होता है, वो उस ग्रह का चक्कर लगाता है। उसी प्रकार चंद्रमा को हम सब जानते हैं कि पृथ्वी का उपग्रह है। इसका मतलब ये हुआ कि पृथ्वी केंद्र में रहेगी और चंद्रमा उसका चक्कर लगाएगी। बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी के आधार पर चंद्रमा है। अगर पृथ्वी साथ न रहे तो चंद्रमा का अस्तित्व भी न रहे। पृथ्वी के निर्देशों के आधार पर चंद्रमा चलती है। दोस्तों, पृथ्वी केंद्र में चंद्रमा का चक्कर लगाती है, पूरा चारों ओर चंद्रमा चक्कर लगाती है। तो उसके चक्कर लगाने में दोनों चीजें होता है दोस्त, अक्ष और कक्ष दोनों पर घूमते हैं कोई भी ग्रह। तो अक्ष घूमना मतलब अपने ही स्थान पर एक चक्कर लगाना, और कक्ष घूमना मतलब जिसका चक्कर लगा रखा है चारों चक्कर लगाना। तो जैसे पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, उसी प्रकार से चंद्रमा पृथ्वी का चक्कर लगाती है। दोस्तों, चंद्रमा अक्ष और कक्ष दोनों पर 27.8 दिन में एक चक्कर पूरा करती है। अगर हम पृथ्वी के परिप्रेक्ष्य में देखें, जैसे और ग्रहों को हमने समझा है पिछले वीडियो में, देखिएगा समझिएगा, तो पिछले वीडियो हम समझे हैं कि अक्ष और कक्ष पर चक्कर लगाने का तात्पर्य यह निकलता है कि अक्ष पर घूमना एक दिन होता है और कक्ष पे घूमना एक वर्ष होता है बाकी ग्रहों का। उस आधार पर तुलना करें तो चंद्रमा का दिन और वर्ष एक बराबर होगा। दिन और वर्ष उन्हें एक बराबर होगा। दोस्तों, चंद्रमा ऐसे घूमती रहती है, चंद्रमा से घूमती रहती है, पृथ्वी का चक्कर लगाती रहती है। इसमें कभी दूर जाती है, कभी पास जाती है, अंडाकार घूमती है। कोई भी ग्रह किसी का भी चक्कर लगाता है, अंडाकार घूमता है, अंडाकार घूमती है। उसमें दोस्तों कभी बहुत दूर जाएगी, कभी पास आएगी, लेकिन उन सब के बीच की औसतन दूरी होती है 384000 किलोमीटर। मतलब तीन लाख चौरासी हजार उसकी औसतन दूरी होती है। इसी बीच में एक बार सबसे करीब होती है, एक बार सबसे दूर होती है। दोस्तों, जब चंद्रमा पृथ्वी से सबसे करीब होगी, जब चंद्रमा पृथ्वी से सबसे करीब होगी, उसे सुपर मून कहते हैं, या पेरिजी फुल मून। दो नाम मिलता है, सुपर मून या पेरिजी मून, पेरिजी फुल मून, इसे लिख लीजिएगा,
इसका मतलब है कि चंद्रमा जब सूर्य से सॉरी चंद्रमा जब पृथ्वी से सबसे करीब होती है, सबसे पास होती है, ये दूरी सबसे कम होती है, उसे क्या कहते हैं? सुपर मून। जब चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की दूरी सबसे कम होती है उसे कहते हैं सुपर मून। दोस्तों इस समय पर चंद्रमा 14% ज़्यादा दिखाई देता है और 30% अधिक चमकीला दिखाई देता है, समझ में? 14% ज़्यादा दिखाई देता है और 30% अधिक चमकीला दिखाई देता है। कब? सुपर मून के समय। दोस्तों कभी भी चंद्रमा का एक टाइम पर अधिकतम 57% भाग ही दिखाई दे सकता है, एक टाइम पर अधिकतम 57% भाग ही देखा जा सकता है पृथ्वी से। पृथ्वी से अगर देखें हम चंद्रमा को तो एक टाइम पर एक समय पर अधिकतम 57% भाग ही हम देख पाएंगे चंद्रमा का। अब दोस्तों बात करते हैं सुपरमून, समझ लिया क्या होता है सुपरमून? मतलब है कि जब चंद्रमा पृथ्वी से सबसे करीब होगी, सबसे पास होगी, उन दोनों के बीच की दूरी सबसे कम होगी, उसे सुपर मून कहेंगे या पेरिजी फुल मून कहेंगे। इस टाइम पे 14% ज़्यादा और 30% अधिक चमकीला दिखाई देता है, क्यों? क्योंकि पास होता है। दोस्तों चंद्रमा का व्यास बोलें तो 3476 किलोमीटर है चंद्रमा का व्यास। चंद्रमा के अध्ययन या उसके यांत्रिक अध्ययन को सेलेनोलॉजी कहते हैं, चंद्रमा के अध्ययन को सेलेनोलॉजी कहते हैं। ये डाटा लिख लीजिएगा, अब दोस्तों हम बात करते हैं, आप सब जानते हैं कि जो हमारा हिंदी कैलेंडर है चैत वैसाख, ये दोस्तों चंद्रमा पे आधारित होता है। इस महीने में दो पक्ष होते हैं, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। कृष्ण पक्ष पहले आता है, शुक्ल पक्ष बाद में आता है। इन पक्षों में 15-15 दिनों का होता है माना जाता है, एक दिन दो दिन तीन दिन चार दिन करते करते 15वां दिन पहुंचता है, उसे पूर्णिमा कहते हैं। दोस्तों एक ही महीने में दो पूर्णिमा होती है, मतलब ये समझ लीजिए साधारण सी वास्तव में भाषा में कि शुक्ल पक्ष कंप्लीट होना और कृष्ण पक्ष का कंप्लीट होना, अंतिम दिन दोनों पक्षों का दो दिन होता है। तो दोस्तों एक पक्ष में जो दूसरा पक्ष होगा अर्थात शुक्ल पक्ष, जिस दिन दूसरा पक्ष कंप्लीट होगा वो पूर्णिमा को ब्लू मून कहते हैं। अगर बोल दे कि ब्लू मून क्या है तो शुक्ल पक्ष का अंतिम दिन अर्थात पूर्णिमा, या ये कह दे कि किसी हिंदी महीने का अंतिम दिन ब्लू मून है तो भी सही है, किसी महीने का अंतिम दिन ब्लू मून कहलाता है, कोई आपत्ति नहीं है इसमें। अब दोस्तों ऐसा डाटा हो गए, ब्लू मून समझ लिया हम लोगों ने, चंद्रमा का अच्छी और कच्ची गति समझ लिया मैंने, सुपर मून समझ लिया हमने। अब उससे बात करते हैं आगे हम इसी समझते। देखिए चंद्रमा पर पहली बार 20 जुलाई 1969 को नील आइंस्टीन गए थे, पहली बार कदम रखा था नील आइंस्टीन 20 जुलाई 1969 को चंद्रमा पर पहली बार कदम रखे थे। ये डाटा बहुत महत्वपूर्ण है, जरूर याद रखिएगा। दोस्तों जहां पर उन्होंने कदम रखा था उसे शांत सागर कहते हैं, या सी ऑफ लिबर्टी, शांत सागर समझिए, जहां पर उन्होंने कदम रखा था पहली बार शांत सागर कहते हैं। दोस्तों चंद्रमा पर ये समझिए कि जो मैदानी भाग है ना उसका नाम ही शांत सागर दे दिए हैं, चंद्रमा के मैदानी भाग को नाम ही शांत सागर दे दिए हैं। और कुछ दिनों के बाद आगे चलकर कुछ अमेरिकी वैज्ञानिकों ने भी चंद्रमा पे गए या फिर चंद्रमा पे अध्ययन किया,
उनके अध्ययन से यह निष्कर्ष निकला कि चंद्रमा पर प्लेट विवर्तनी की घटना नहीं होती है। प्लेट विवर्तनी घटना नहीं होती है, प्लेट विवर्तनी घटना नहीं होती है, इसका तात्पर्य हुआ कि वह भूकंप के प्रभाव से मुक्त है, चंद्रमा पे भूकंप नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि प्लेट विवर्तनी घटनाएं नहीं होती हैं, आपस में प्लेटें नहीं टकराती हैं, इसलिए वहां भूकंप के प्रभाव से मुक्त है। दोस्तों, चंद्रमा का जो भूपर पट्टी है पृथ्वी के भूपर पट्टी से ठोस है, परंतु इसका जो क्या कहते हैं कि द्रव्यमान है वो कमजोर है, वो कम है पृथ्वी से, फिर भी इसका भूपर पट्टी पृथ्वी के भूपर पट्टी से ठोस है। चंद्रमा पर पृथ्वी से पलायन वेग भी कम है और गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी की तुलना में 6 गुना कम है। पृथ्वी की तुलना में चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल 6 गुना कम है। इसका तात्पर्य हुआ कि अगर हम पृथ्वी पे किसी वस्तु को फेंक रहे हैं या जो चल रहा है ऊपर से गिर रहा है, अगर चंद्रमा पर उतनी दूर से फेंकें तो 6 गुना लेट समय में गिरेगा। क्यों? क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी की तुलना में धीरे खींचते, 6 गुना कम है। ठीक, चंद्रमा पे गुरुत्वाकर्षण बल कम होने के कारण वो धीरे धीरे खींचेगी। और इसमें दोस्तों विशेष चीजें हैं, थोड़ा एक मिनट देख लेते हैं। दोस्तों चंद्रमा पे विशेष इतनी ही बातें हैं, इसके आधार पर चंद्रमा का इतनी चीज हम याद रहा तो चंद्रमा हम समझ लेंगे। एक बार बता देते हैं, चंद्रमा का हम देख लेंगे गुरुत्वाकर्षण पर पृथ्वी से कम है, अक्ष और कक्ष पर गति देख लेंगे, सुपर मून समझ लेंगे, ब्लू मून समझ लेंगे, नीला स्टैंड कब गया था ये समझ लेंगे। ठीक, इसका क्या कहते हैं कि दोस्तों एक चीज उठाया कि चंद्रमा को जीवाश्म में उपग्रह भी बोलते हैं, यह सौरमंडल का 5वां, सौरमंडल का 5वां बड़ा उपग्रह है। और ये जीवाश्म में उपग्रह भी है। अब दोस्तों कुछ चीज बचा सौर मंडल के वाले चैप्टर से, एक चीज बच गया, बौने ग्रह। समझ लेते बौने ग्रह, बौने ग्रह दोस्तों अगर ग्रह का हम मापदंड की बात करें, ग्रह की परिभाषा की बात करें, तो प्रत्येक ग्रह का एक अपना अच्छी और कक्षीय गति होती है, वही ग्रह है। तो जो पिंड अच्छी और कक्षीय गति रेगुलर नियमित एक निश्चित मेंटेन करता है उसे ग्रह कहेंगे। दोस्तों हम पढ़ते थे पहले 9 ग्रह थे, अब सौरमंडल में 8 ही ग्रह हैं। दोस्तों 24 अगस्त 2006 को अफ्रीकी देश चेक गणराज्य, 24 अगस्त 2006 को अफ्रीकी देश चेक गणराज्य में एक खगोल वैज्ञानिकों का समिट हुआ। उस समिट में यह निर्णय लिया गया कि प्लेटो जो मेरा एक छोटा ग्रह था या 9वां ग्रह था उसकी कक्षीय गति विचलित होती थी, वो रोटेट करते करते दूसरे ग्रहों के क्षेत्र में चला जाता था। इस कारण से उसे वैज्ञानिकों ने ग्रह की कैटेगरी से हटा दिया। इस कारण अब सौरमंडल में सिर्फ 8 ही ग्रह बचे हैं। किसे? प्लेटो को ग्रह की कैटेगरी से हटाने के बाद। अब उसके बचा धूमकेतु, उल्कापिंड,
ये भी एक खगोलीय पिंड होती हैं, ये भी एक खगोलीय पिंड होती हैं जो सौरमंडल में अपना अस्तित्व बनाए रखी हैं, परंतु इनका कोई व्यक्ति विशेष क्वेश्चन नहीं आते हैं, इसलिए इस चैप्टर को समाप्त करते हैं। धन्यवाद।